मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। सुनवाई से पहले ईडी ने रखा अपना पक्ष, केजरीवाल को बताया मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में संभालेंगे चुनावी मोर्चा। उधर इंदौर उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजस्थान रवाना होंगे जेपी नड्डा। ओम बिरला कोटा से भरेंगे नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज से दिल्ली में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, तो वहीं राहुल गांधी वायनाड में नामांकन भरने से पहले करेंगे रोड शो। सीपीआई उम्मीदवार यानी राजा भी राहुल के खिलाफ भरेंगे पर्चा। भारत में आर्थिक मोर्चे पर आई अच्छी खबर, 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड बैंक ने जताया अनुमान। मुंबई में आज से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक जारी, 3 दिन की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद। ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप से तबाही, जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी। भारत ताइपे एसोसिएशन ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से विशाखापट्टनम में होगा सामना। दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल 7वें स्थान पर जबकि केकेआर की टीम 2रे स्थान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी गई है। आज की सुनवाई से पहले कल हाईकोर्ट में ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया और कहा कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिला। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान में 45 करोड़ रुपए की नकदी भेजी। ईडी ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स सर्वे टिलियर और विधानसभा प्रबंधक वगैरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के सबूत हैं। ये नकदी आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की जिन्हें आपसे सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। यह कहना बेतुका है कि याचिकाकर्ता जो दिल्ली के सीएम हैं खुद हवाला लेन देन को संभालेंगे, इसलिए साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसिडीज ऑफ क्राइम के लेन देन और इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने वाला अहम सबूत है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे हैं। केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज बेल पर रिहा हो सकते हैं। उनकी पत्नी अनिता सिंह ने कहा कि हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था, आज वे डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद तिहाड़ जाएंगे। आईएलबीएस में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है, तभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे, इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहाँ से 2 बज सकता है 3 बज सकता है, वहाँ से फिर वो रिलीज होंगे। तो आज जेल से रिहा हो सकते हैं संजय सिंह बेल पर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से देखा जा रहा था, क्योंकि कल जब इस तरह की खबर सामने आई थी जब उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया था और आज ये माना जा रहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वो हो जाएंगे, उसके बाद फिर तिहाड़ पहुंचेंगे, तब उनको बेल मिल पाएगी वहां से? बिल्कुल मुकुल, क्योंकि आईएलबीएस में वो एडमिट थे बीती रात, और उसके बाद जब उनको पता लगा कि उनको बेल मिल गई है तो वहाँ की प्रोसेसिंग के बाद उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी तिहाड़। साथ ही साथ जब कोई भी कैदी पहली बार तिहाड़ जाता है या वो छूटता तो पूरे पेपर की कार्रवाई होती है, इसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, यानी तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास उनके रिहा होने की उम्मीद है, और उसके बाद वो सीधे आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो ये उनके लिए बिग ब्रेकिंग है, उनके लिए बिग ब्रीथिंग है कि बड़ी बात है, पिछले
महीने से संजय सिंह जो थे वो तिहाड़ में बंद थे। ईडी ने कल उनकी बेल पर अपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उन्होंने उसको ना तो अपोज करने की कोशिश की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बड़ी राहत दी, कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी। और कल जब हम उनके कार्यकर्ताओं से मिले या वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक बड़ा रिलीफ था उनके विधायकों के चेहरे पर कहीं ना कहीं। और संजय सिंह को इस केस से ये भी साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा नहीं है कि हर जो भी मुलजिम अभी इस लीकर पॉलिसी से जुड़ा है तो उनको भी वही रिलीफ मिलेगा, वो एक उनका सेपरेट इशू था जिसमें उनको रिलीफ दिया गया, बाकियों की जांच पूरी तरह से की जाएगी, हाईकोर्ट में उनका जो भी मुकदमा चल रहा है उस पर परत दर परत रखी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल संजय सिंह के लिए बड़ी खबर है, आईएलबीएस से वो कब छूटते हैं और उसके बाद तिहाड़ जेल में उनको और कितना वक्त लगेगा पूरे डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और ये तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास तस्वीर साफ होगी। जी, और खासतौर से मुकेश, ना सिर्फ जो ये एक राहत जो है संजय सिंह के लिए तो है ही, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो आपके पार्टी के समर्थक हैं या जो और भी नेता हैं उनके लिए भी उनको राहत महसूस हो रही है। अब बिल्कुल, जिस तरह से एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता जो थे वो जेल जा रहे थे, और फिर 21 मार्च को ईडी ने जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया उसके बाद उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बिखरती दिखाई दे रही थी। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने से उनके लिए एक सिल्वर लाइन जगी है, उम्मीद की किरण जगी है, और उनको ऐसा लगता है कि अब शायद वापस उनका वक्त लौटेगा। लेकिन किस तरह से उनका वक्त लौटेगा ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति इस समय जो है वो गर्मा संजय सिंह के बाहर आने से, और जो राजनीतिक हलचल वो तेज हो चली है। किस तरह से आम आदमी पार्टी संजय सिंह की रिहाई को देखती है, कैसे वो आगे का अपना मूवमेंट बनाती है, ये देखना होगा। संजय सिंह भी काफी टाइम से जो 6 महीने के आसपास उन्होंने जेल में बिताए हैं, तो वो कैसा उनका दौरा, साथ ही साथ लगातार जो ईडी कह रही थी उनके खिलाफ जो सबूत हैं अभी वो पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई है, इसको देखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल दी है, तो बड़ी राहत की बात है। और जैसे मैंने कहा कि उनके कार्यकर्ता इसे संजीवनी की तरह मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि देश में रामयुग है, तो इस रामयुग में ये जो रिहाई है ये उनके लिए एक राम का आशीर्वाद भी है। जी बिल्कुल मुकेश, और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि 6 महीने पहले जब संजय सिंह जेल गए थे और उसके अब 6 महीने बाद की स्थिति की अगर बात की जाए, तो पार्टी में एक आपसी खींचतान की भी जो खबरें हैं वो किसी से छिपी नहीं है, तो क्या ऐसे में वापस आने के बाद उनकी कोशिश यही होगी कि पार्टी के जो हालात हैं उनको भी कुछ बेहतर कर पाएं? बिल्कुल मुकुल, बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद हैं, और काफ़ी समय से वो पार्टी के साथ जुड़े हैं। ऐसे में एक एक करके जब तमाम नेता जा रहे थे लीकर पॉलिसी में जेल में, तो पार्टी में एक अलग धड़ा बनता जा रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे वो पार्टी को आगे चलाएंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये सब। ऐसे में संजय सिंह के आने के बाद वो सुनियोजित तरीके से एक आगे की रणनीति बनाएंगे। जो बचे हुए विधायक हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल प्रशासन कह रहा है कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक सीएम को अगर सरकार चलानी है तो उनको तमाम अपने जो उनके अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, गवर्नर से उनकी मीटिंग होनी चाहिए, तमाम पॉलिसीज पर उनके हस्ताक्षर होनी चाहिए, और वो तमाम गतिविधियां ग्रीवेंस सेल्स हैं उनमें लोगों की कंप्लेन सुनना, जो भी नए आपके अमेंडमेंट है उनको लागू करने के लिए उनके साइंस अथॉरिटी चाहिए। ऐसे में संजय सिंह के बाहर आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे, कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, क्या उनकी वाइफ को यहां पर मुख्यमंत्री बना करके बिठाया जाएगा, या आतिशी या सौरभ भारद्वाज, जिस तरह से इनके पास कई सारे मंत्रालय हैं तो इनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं संजय सिंह और पार्टी को लीड करने में पार्टी की अंदरूनी जो रणनीति है उसको वो तय करते हैं। अब जब संजय सिंह बाहर आएंगे तो ये तमाम चीजें जो है वो साफ होंगी कि आगे की रूपरेखा आम आदमी पार्टी की क्या होगी। लेकिन चुनाव को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उनकी किसी भी गतिविधि पर रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक आदमी है और राजनीति से उनका सरोकार है, तो वो तमाम चीजें वो कर पाएंगे, इसकी आजादी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि ईडी ने कहा था कि वो किसी भी जगह जाकर के कोई स्टेटमेंट या कोई बयानबाजी ना करे, तो अभी यहां पर उनको बोलने का अधिकार होगा, अपनी बात रखने का अधिकार होगा, साथ ही साथ उनकी पार्टी के लिए यहां से क्या कुछ निकल करके आता है यह देखना दिलचस्प होगा। जी, राजनीतिक गतिविधियों में वो जरूर भाग ले सकते हैं, लेकिन जो पूरा घोटाला है शराब घोटाला उस पर किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन खासतौर से अगर बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो कि खुद तिहाड़ में अभी बंद हैं, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि एक काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का भी, क्या माना जाए जब आज संजय सिंह वहाँ से रिहा होंगे तिहाड़ से, तो क्या कुछ समय उनको इस तरह का भी मिल सकता है, कुछ संभावना है कि इनकी बातचीत हो पाए केजरीवाल से?
अभी हाल फिलहाल में तो मुकुल ये संभव नहीं दिखता है, क्योंकि एक सिस्टम होता है जेल प्रशासन का, आपको किससे मिलने दिया जाएगा, और उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, जैसे कि उनको घर का खाना दिया जाए, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी वाइफ से और उनके बच्चों से उनको मिलने की अनुमति है, लेकिन जेल प्रशासन कहता है कि आपको हफ्ते में 2 बार अपने करीबियों से मिलने का मौका मिलेगा, 2 बार आप अपने घर पर बात कर सकते हैं, थोड़ी छूट जरूर उनको दी गई है, लेकिन इसके बावजूद इतनी जल्दी संजय सिंह से वो नहीं मिल पाएंगे। हाँ, आने वाले दिनों में जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी कैंपेनिंग को आगे बढ़ाएगी, बड़े लीडर हैं, कैसे आगे का रोल होगा, वो सब जरूर बातें होंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल संजय सिंह अपनी रिहाई का जश्न मनाएंगे, क्योंकि केजरीवाल के लिए डिफरेंट एंगल है, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, ईडी के पास उनके लिए तो पर्याप्त सबूत हैं, जैसे विजय नायर को लेकर के कविता को लेकर के ईडी लगातार सवाल कर रही है, जिससे केजरीवाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली, क्या कुछ उनसे निकल करके आता है, क्या वो एडमिट करते हैं, आईफोन का पासवर्ड देते हैं, ये तमाम चीजें अभी केजरीवाल के खिलाफ है, तो फिलहाल केजरीवाल को राहत नहीं। हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है कि उनका एक बड़ा लीडर जो है वो बाहर आया, लेकिन अभी उनके 3 बड़े लीडर ऑलरेडी जेल में हैं, और उनके लिए भी मुसीबतें अभी तक बनी हुई है, क्योंकि कल भी जिस तरह से मनीष सिसोदिया की बेल की अर्जी थी वो नहीं हो पाई, उनको बेल नहीं मिल पाई, तो अभी उनके लिए तो मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं, और किस तरह से विजय नायर पर खुलासा होता है, विजय नायर की जो बातें कही गई हैं उस पर किस तरह से ईडी रिएक्ट करती है, तमाम चीजें हैं, राहत जो है वो जरूर संजय सिंह को यहाँ मिलती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अभी बरकरार रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आप नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का आह्वान भी किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरह से तानाशाही पर उतारू है, जिस तरह से सारी हदें पार कर रही है, जिस तरह से अब चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके बिना किसी सबूत के उठा करके जेल में डाल दिया गया। पहले कहते थे कि हम पूछताछ करना चाहते हैं, 10 दिन तक पूछताछ किया, कुछ नहीं निकला, अब उठा करके जेल में डाल दिया, जैसे संजय सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था, तो उसके खिलाफ 31 मार्च को पूरा देश दिल्ली में इकट्ठा हुआ था रामलीला मैदान। ये लड़ाई आगे और बढ़ेगी और इसको विस्तार देते हुए 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास का कॉल दिया जा रहा है। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं, दिल्ली बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है ये देखते हैं। विभिन्न दलों के लोग निष्ठा और समर्पण भाव से पार्टी में आते हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी अभी पंजाब से आए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि शराब नीति घोटाला हो या जल बोर्ड घोटाला हो, लगातार इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, तो वो खीज मिटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र बन चुका है। उस डिफेमेशन नोटिस के बारे में हमारे जो वकील हमारे साथ बैठे हैं सत्य रंजन जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार वो भी जो उसके लीगल पहलू है वो आपके सामने रखें। नमस्कार सर, आप सबको नमस्कार। सलतेवा जी, सुंदर तरीके से बताए आपको कि जो स्टेटमेंट दिया गया उनके तरफ से उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं था, कौन कांटेक्ट किया, कैसे कांटेक्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसने कांटेक्ट किया वो किसके इंस्ट्रक्शन पे कांटेक्ट किया, उसको कौन कहा था कांटेक्ट करने के लिए। जब तक ये सारे चीजें सामने नहीं आता है तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये एक फॉल्स कॉन्कॉक्टेड स्कैंडलस डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। दूसरा, जो 4 लोगों के अरेस्ट के बारे में बात रखा गया, उनको मीडिया में एक छवि बनाया गया कि इनको पॉलिटिकली अरेस्ट कर दिया गया है।
तो आप नेता आतिशी की तरफ से जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे उनको बेबुनियाद बताया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि उसमें किसी भी व्यक्ति का जो नाम है उसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, और इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि बीजेपी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया गया, किसी करीबी ने उनको कहा, लेकिन अभी तक किसी का भी जो नाम है वो सामने नहीं आया है। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 की चुनौती की। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, इसके लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर में जनसभा करेंगे, इसके बाद वह मुरादाबाद में लोकसभा की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में शामिल होंगे। अतुल गर्ग को जनरल वी के सिंह की जगह गाजियाबाद से टिकट दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम किलों को ध्वस्त किया था, लिहाजा इस बार भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तय रणनीति के अनुसार बीजेपी यहां की सभी 29 लोकसभा सीटों को क्लीन स्वीप करने के इरादे से चुनाव लड़ रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर और शहडोल में रैली के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी स्थितियों का जायजा लिया, तो वहीं आज वो इंदौर और उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय सीट से प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा पन्ना में नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पना के छत्रसाल स्टेडियम में विशाल जनसभा भी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस भी पिछली हार से सबक लेते हुए कुछ रणनीति पर काम कर रही है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज कई प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव एक साथ आज बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो का दौरा करेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली भी शामिल आज वो होंगे। बैतूल से कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछला चुनाव हार चुके रामू टेकाम पर फिर भरोसा जताया गया है। वहीं होशंगाबाद से संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार हैं, जबकि इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी के हिस्से में है। यहाँ से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव चुनाव लड़ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की, तो उसके तहत आज राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। ओम बिरला के नामांकन रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कोटा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली के साथ ही एक आम सभा भी होगी, जिसे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई बीजेपी नेता संबोधित करेंगे। वहीं बात अगर बिहार की जाए तो यहां पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी कर दिया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपोली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है और वह आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। केरल की वायनाड लोकसभा सीट इस समय काफी सुर्खियों में है। यहां से आज कांग्रेस नेता और मौजूदा सांसद राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान शुरू करेंगे। वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका रोड शो भी होगा। राहुल का मुकाबला इस बार सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी और सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से है। एनी राजा भी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन दाखिल करने से पहले निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा, जबकि 4 जून को यहां नतीजे आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर देशभर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।
राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की गोंडा विधानसभा से कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में दिल्ली अध्यक्ष अरिंदर सिंह लवली ने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी करेगी, जिसे घर घर पहुंचाने की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करने जा रहे हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के तिरुचिपल्ली लोकसभा उम्मीदवार पी करुप्पैया ने श्री सेंडल मरियम मंदिर में पूजा की और अपना चुनाव अभियान शुरू किया। पूर्व मंत्री विजय भास्कर भी करुप्पैया के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां समाजवादी पार्टी एक बार फिर सियासी भंवर में है। संभल, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब बदायूं में भी पार्टी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारने में दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिवपाल यादव ने बदायूं सीट छोड़ने का ऐलान किया है और अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भेजा है। इससे सियासी घमासान तेज हो चला है। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। दरअसल बदायूं सीट की अगर बात की जाए तो इस पे सपा प्रत्याशी दूसरी बार बदला जाएगा। पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला था, दूसरी लिस्ट में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को सपा प्रत्याशी बनाया था। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल के लिए काम करने में थोड़ी हिचक रहती, लेकिन आदित्य के लिए हम और ज्यादा काम करेंगे और हम बदायूं से जीतेंगे। सबने मिलकर संकल्प लिया है आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने को और यहां से समाजवादी पार्टी को जिताने का ऐतिहासिक संकल्प सभी ने लिया है। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भी, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कोरबा संसदीय सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी वार शुरू हो चुका है। भाजपा के कार्यकर्ता वर्तमान कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत के खिलाफ एक कार्टून बने हुए पोस्टर लेकर चौराहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरबा से मौजूदा सांसद को लापता बताया है। वो तो एक पपेट सांसद हैं और नियुक्ति पत्र उनके पति देते हैं, पति घूमते हैं, और अब ये बात बहुत साफ है कि योग्यता के आधार पर सांसद का चयन नहीं हुआ है। कांग्रेस की सांसद पिछले 5 सालों में लोगों के न सुख में शामिल हुई, न दुख में शामिल हुई, और सुख दुख में नहीं शामिल हुई। कोई क्षेत्र के लिए उन्होंने काम नहीं किया, कोई योजना नहीं लाई। सांसद ने यहाँ 5 साल कुछ भी नहीं किया, मतलब देखने को कभी कभी मिल जाती थी सांसद जी कि हाँ आज प्रवास में है, अपने ही क्षेत्र में प्रवास करने का समझ नहीं आता कि क्या प्रवास करेंगे, तो रहती कहाँ थी फिर। कांग्रेस की कोरबा से लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत का कहना है कि भाजपा की नीति है फूट डालो बदनाम करो। उनकी नीति है बदनाम करो फूट डालो। जो इंसान दिल्ली में रहता है, जो इंसान दुर्ग में रहता है, वो ये कैसे कह सकता है कि मैं कितनी बार कोरबा रहती हूँ। ये यहाँ की जनता से पूछें, मेरे काम से देखिए। तो मैं चूंकि यहाँ सांसद हूँ और यहाँ की बहू के रूप में हूँ, भाभी के रूप में हूँ, बहन के रूप में हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है इस जनता से। और आज का नहीं, हमारे पति चरणदास महंत जी 97 से यहाँ पर लड़ रहे हैं। जब ये जिला जांजगीर में जांजगीर लोकसभा था, तब भी कोरबा जिला उसमें सम्मिलित था। तब से मैं घूम रही हूँ, कौन कह सकता है कि मैं यहाँ नहीं दिखाई देती। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। देश विदेश की और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। 9 केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। 7 केंद्रीय मंत्रियों जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल आज समाप्त होगा। अश्विनी वैष्णव को छोड़कर ये सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव और एल मुरगन को एक और राज्यसभा कार्यकाल दिया गया है। उच्च सदन से सेवानिवृत्त होने वाले समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। इनमें से जया बच्चन और मनोज कुमार झा को उनकी पार्टी ने फिर से नामित किया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोरचौली के जंगल में हुए मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इसमें DRG, CRPF, कोबरा, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और CAF के जवानों की संयुक्त टीम शामिल थी। सुरक्षाकर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए जिसमें इंसास LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए थे। साथ साथ जो सीमा और इलाका में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रहा है और सीमा और इलाके में मोबाइल चेक पोस्ट नाकाबंदी करवाने के साथ साथ एयर डोमिनेशन ऑपरेशन भी संचालित की जा रही है। इस प्रकार संपूर्ण इलाका में जो नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो रेगुलर जो चेकिंग की कार्रवाई जिससे सीमा और इलाके में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित वस्तु मतलब जो सीमा से अंदर ना पाए और इस प्रकार मतलब इधर के कोई भी जैसे आपत्तिजनक जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट दूसरे इलाकों में ना हो पाए, इन सब कार्रवाई भी लगातार जारी है और हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा मतलब चुनाव प्रक्रिया को काफी अच्छी तरीके से और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से संबंधित करने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा। तो लगातार कोशिश यही की जा रही है चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें किसी भी तरह की जो नक्सली है बाधा ना डालें। वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड का नाम राजीव नयन मिश्रा बताया जा रहा है जिसे नोएडा से STF ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहले भी पेपर लीक में संलिप्तता रही और वह इसी तरह के मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। बात करते हैं महाराष्ट्र के, यहाँ छत्रपति संभाजीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कपड़े की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद रहीं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वह 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लगी। फिलहाल सभी शवों को छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया और प्रशासन द्वारा जाँच जारी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां एक कार शोरूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से मुख्य अग्निशमन अधिकारी व अग्निशमन अधिकारी वैशाली सहित 4 फायर टैंकर यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुए और आग पर काबू पा लिया गया। आग कार्यालय के हिस्से में लगी थी और जिस तरफ कारें खड़ी थीं उस ओर तेजी से बढ़ रही थी। गनीमत रही कि अग्निशमन कर्मियों ने उस हिस्से को जलने से बचा लिया। और बात करते हैं काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई। जी हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में जब से पुनरुद्धार हुआ है तब से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बार मार्च के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इस पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने DD News से खास बातचीत की।
पिछले महीने में जो आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था दी जिसके कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको और क्या संख्या रही? श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर पहली बार ऐसा हुआ कि रात्रि 12 बजे तक 10 लाख से भी ऊपर 10,71,000 के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। दूसरे दिन जो हमारा भोग आरती तक का जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो अन्य वर्षों के हाइएस्ट सापेक्ष 7 लाख समथिंग के सापेक्ष 12 लाख का था। और यह स्थिति तब थी जब हमने शहर की सारी बड़ी स्क्रीन जो स्मार्ट सिटी की हैं उन पर ऑनलाइन जो है लाइव टेलीकास्ट किया था, और उसके अलावा हम ऑनलाइन जो है स्ट्रीमिंग कर रहे थे। 18 लाख लोगों ने वर्ल्ड वाइड बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। और पूरे महीने की अगर बात करें तो इस माह में और भी 3 रिकॉर्ड ब्रेक हुए। सबसे पहले किसी एक गैर पर्व दिवस में सबसे अधिक श्रद्धालुओं की संख्या 17 मार्च को 5,03,000 दर्ज हुई, जो इसके पहले के किसी वर्ष का जो अगर कोई माह रहा हो तो 2 लाख समथिंग हुआ करती थी। और यह रिकॉर्ड हमारा 11 दिन नहीं चला, 28 मार्च को संख्या 5,28,000 हो गई। और यह रिकॉर्ड फिर 3 दिन नहीं चला, 31 मार्च को जो माह का क्लोजिंग था, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कई बार जब हम लोग क्रिकेट मैच बचपन में देखते थे तो होता था कि 1 6 के साथ पारी खत्म की जाए, तो 31 मार्च को महादेव ने ऐसी कृपा बरसाई कि यहाँ पर 31 मार्च को हमारे यहाँ कुल श्रद्धालु संख्या, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा हूँ कि कुल संख्या हमारे यहाँ दर्ज हुई उस दिन 6,36,975। ये श्रावण के मतलब ये किसी भी एक दिन में आज तक की सार्वकालिक स्रोत संख्या है जो बिना पर्व का कोई दिन रहा हो। और अगर माह की बात करें तो 63,432 ये संख्या हमारे यहाँ मार्च 2024 में दर्ज की गई है। गर्मी का जिक्र कर रहे थे, गर्मी पड़ने वाली है, क्या क्या व्यवस्थाएं आप श्रद्धालुओं को देंगे, ट्रस्ट देगा? आप जैसा देख सकते हैं सभी जगह हमने जूट के मैटिंग कर दी है जिससे पांव न जलने पाए, इस पर निरंतर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने अपने मेडिकल कैंप्स लगा रखे हैं जहां लगातार ओआरएस और अन्य आवश्यक दवाएं जो गर्मी के लिए, गर्मी लगने से और गर्मी की घबराहट को दूर करने वाली होती हैं, लगातार लोगों को श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है प्याऊ जो लगाए गए हैं जल के काउंटर, उनकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। प्राइवेट बैंक की भी एक मदद ली गई है, कुछ अन्य संस्थानों का भी साथ लिया गया है, और लगातार शीतल जल आरओ फिल्टर हम अपने श्रद्धालुओं को लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ संख्या में मार्च के महीने में आए और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सुविधाएं ट्रस्ट देता रहेगा और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती रहेगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर, वाराणसी। तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ इजाफा हो रहा है। और अब आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर भी। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार और लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों ने भारत की ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब वर्ल्ड बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत के आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को बदलते हुए इसे 6.6% बताया है। यह अनुमान पिछले अनुमान से 20 आधार अंक अधिक है। वर्ल्ड बैंक ने निवेश में वृद्धि को इसका मुख्य कारण बताया है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी बाई एनुअल दक्षिण एशिया ग्रोथ अपडेटेड रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया है। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत का ग्रोथ रेट 7.5% रहा, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के अनुमान 7.6% से थोड़ा कम है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एडिशन की तुलना में दक्षिण एशिया की ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी बेहतर हुई हैं। 2024 में दक्षिण एशिया की ग्रोथ दर 0.4% और 2025 में 0.3% अधिक होने का अनुमान है। हालांकि वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान और श्रीलंका में साल भर मंदी का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक ने सेवाओं और उद्योग में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद भी जताई है, साथ ही महंगाई दर का दबाव कम होने का भी अनुमान जताया गया है, जिससे वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए और जो गुंजाइश मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि इससे पहले भी तमाम रेटिंग एजेंसियां जो हैं उन्होंने अपने अनुमान में बदलाव किया था भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर, और खासतौर से जब GDP की वृद्धि दर की बात की जा रही है, फिर चाहे मॉर्गन स्टेनली की बात की जाए, फिच की बात की जाए, तमाम एजेंसियां जिन्होंने अपने अनुमान में संशोधन किया है। और खासतौर से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है लगातार मजबूत स्थिति में वो बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 के आखिरी महीने में भारत के विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शानदार प्रदर्शन रहा है। इस क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI मार्च में बढ़कर 59.1 पर पहुंच गया, जो 16 साल में सबसे अधिक रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वानगी हाल ही में जारी PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में भी देखने को मिली है। HSBC इंडिया PMI के अनुसार मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मार्च में PMI 59.1 पर पहुंच गया, ये फरवरी में 56.9 था। PMI बेहतर होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है।
सरल शब्दों में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां और बिजनेस एक्टिविटी को मापने का जरिया है पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई तेजी के मुख्य कारणों की बात की जाए तो नए ऑर्डर मिलना और महंगाई का कम होना, घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों से नए काम का इनफ्लो मजबूत हुआ, खरीद की मात्रा में तेज दर से इजाफा, निर्माताओं द्वारा मार्च में अतिरिक्त रोजगार के अवसर। इसके साथ ही देश में मोबाइल फोन का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान करीब 4.10 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन का उत्पादन होने का अनुमान है, जो एक साल पहले के मुकाबले करीब 17% अधिक है। मोबाइल फोन विनिर्माताओं के संगठन इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के शुरुआती अनुमान में जानकारी निकल कर आई है। हालांकि अंतिम आंकड़े पर काम अभी जारी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से पीएमआई के आंकड़े काफी सकारात्मक हैं, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब रुक करेंगे वायनाड का, जहां से राहुल गांधी नामांकन भरने जा रहे हैं और उससे पहले रोड शो कर रहे हैं। राहुल गांधी विजयी हुए थे और अब इस बार दूसरी बार वो नामांकन इस सीट से भर रहे हैं। साथ में जो नेता हैं कांग्रेस के केरल से वो मौजूद, और साथ ही प्रियंका गांधी भी इस रोड शो में मौजूद हैं यहाँ पर। और इस बार भी राहुल गांधी ने जैसी उम्मीद जताई थी कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपनी सीट पर विजयी रहेंगे और कांग्रेस की जो ये विजय गाथा है इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले अगर बात की जाए जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उसमें आज एक नामांकन भरेंगी एनी राजा की अगर बात की जाए, और साथ ही साथ लगातार जो सियासी समीकरण है यहाँ का उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आज नामांकन अपना भरेंगे राहुल गांधी वायनाड सीट से, और उससे पहले रोड शो जो है उसके लिए रोड शो का आयोजन किया गया है उनके लिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, सीधी तस्वीरें वायनाड से। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अगर देखा जाए तो आज नामांकन और उससे पहले रोड शो यहाँ कर रहे हैं राहुल गांधी, और कहीं ना कहीं साथ में हम देख पा रहे हैं जो प्रियंका गांधी हैं वो भी मौजूद हैं उनके। जी हाँ बिल्कुल, रोड शो राहुल गांधी की एक स्ट्रेंथ बनती जा रही है कुछ समय से, लेकिन अफसोस की बात यह है कांग्रेस के लिए कि ये वोटों में कन्वर्ट नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी नामांकन बनने के लिए वायनाड तो पहुंच गए, और वायनाड जो है इस चुनाव में एक केंद्रित सीट रहेगी, सब पर इसका फोकस रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी का मुकाबला हो रहा है बीजेपी के केरला के राज्य अध्यक्ष सुरेंद्रन से, और दूसरी तरफ एक और उम्मीदवार है जो सीपीआई की तरफ से फील्ड किए गए हैं मैदान में है, और एनी राजा है। तो ये देखिए, देखा जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट इंडिया गठबंधन में एक साथ है, दोस्त हैं, आपस में सहयोगी पार्टीज हैं, लेकिन यहाँ पर आमने सामने खड़े हैं, तो वायनाड बहुत ही दिलचस्प मुकाबले की एक तस्वीर पेश कर रहा है। और राहुल गांधी उसके पहले ये रोड शो करके एक बार फिर, पिछली बार जिस तरह से उन्होंने यहाँ से जीता था, 45 लाख की मार्जिन से उन्होंने जीता था, और कांग्रेस के लिए वायनाड एक सबसे सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि पूरे देश में देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौतियां, और राहुल गांधी के लिए ये वायनाड जो है सबसे सेफ सीट कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है। तो ऐसे में पिछले चुनाव में जो राहुल गांधी के लिए आसान जीत थी, वो इस वर्ष बहुत इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, एक तरफ राहुल गांधी नामांकन भरने के बाद अब प्रचार पर उतरेंगे, तो राहुल गांधी को सामना करना होगा एनी राजा से, जो लेफ्ट में उनकी गठबंधन के सहयोगी है, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और साथ साथ ये भी है कि राहुल कांग्रेस ने केरल में एसडीपीआई का साथ लेने का फैसला कर दिया। एसडीपीआई जो पीएफआई जो आतंकी संगठन है उसका एक पॉलिटिकल विंग माना जाता है, तो एसडीपीआई के साथ कांग्रेस हाथ जोड़कर
ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कांग्रेस इसको बिल्कुल कैसे भले ही अभी तक जो वायनाड है उसको सुरक्षित सीट माना जाता हो, लेकिन इस बार जो चुनौतियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो कांग्रेस राहुल गांधी के लिए भी इस सीट पर कम नजर नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आपको बता दें जो एनी राजा हैं जो सीपीआई से हैं वो आप देखिए अपना नॉमिनेशन यहाँ पे वो भर रही हैं इसी वायनाड सीट से सीपीआई प्रत्याशी राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन महागठबंधन में एकता नजर आती थी लेकिन यहाँ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर ये नजर आएंगे। और जिसका जिक्र अभी आयशा भी कर रही थी कि जो मुश्किलें हैं वो वायनाड सीट पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि ना सिर्फ एनी राजा जो हैं उनका सामना राहुल गांधी को करना होगा, भले ही पिछली बार करीब 45 लाख जो वोट्स हैं उसका मार्जिन रहा हो, लेकिन इस बार जो मुश्किलें हैं जो चुनौती है वो राहुल गांधी के लिए रहने वाली है। और ये चुनौतियां कहीं ना कहीं महागठबंधन में आपसी चुनौतियां जो हैं वो ज़्यादा बनकर उभरती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी भी अभी रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे। तो लगातार जो चुनाव से जुड़ी खबरें हैं उनसे अपडेट आपको हम करा रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी किस तरीके से उसको मजबूती मिल रही है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है वो आज से शुरू हो गई है। वित्त वर्ष 2024 और 2025 की ये पहली बैठक है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम बैठक में एमपीसी ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं किया था। इसे 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया था, लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि रेपो रेट में कुछ कटौती हो सकती है जिसका फायदा जनता को मिल सकता है। जो ईएमआई अगर कटौती होती है तो इसमें कुछ कमी आ सकती है, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। और वहीं जब देश से लगातार उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें लगातार किस तरह की ग्रोथ जो है तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है। ऐसे में खासतौर से अगर फ़ोन के उत्पादन की बात की जाए, देश में फ़ोन का उत्पादन लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। और पिछले वर्ष के मुकाबले अगर हम देखें तो इस बार ये 17% अधिक अभी तक दर्ज किया गया है। लगातार जो फ़ोन का उत्पादन है वो देश में तेज़ी से बढ़ा है। और इसके साथ साथ हालांकि जो अंतिम आंकड़े हैं उन पर अभी काम जारी है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के शुरुआती अनुमान से ये जानकारी मिली है। करीब 1,20,000 करोड़ का जो पूरा अगर देखा जाए जिस तरह का कारोबार होता है, हालांकि वित्त वर्ष 2024 में निर्यात को अगर देखा जाए कुल उत्पादन मूल्य का करीब 30% ये अभी तक दर्ज किया गया है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा और लगातार मोबाइल उत्पादन में तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है। निर्यात इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत सरकार लक्ष्य से अभी भले ही पीछे है, लेकिन कोशिश यही कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। लगातार इस तरह की जो नीतियां हैं उनको देखा गया है, इन नीतियों का जो लाभ है वो मिल सकता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से जो अलग अलग नीतियाँ हैं उनको लाया गया और उसके बाद परिणाम अब हमारे सामने हैं। मोबाइल उत्पादन जो है वो बड़ी संख्या में हमारे देश में हो रहा है और उसके साथ साथ जो ग्राहकों का रुझान है उसमें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से महंगे फ़ोन के प्रति जो रुझान है वो बढ़ रहा है। और ग्राहक के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप लगातार अब मोबाइल का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो देश में हो रहा है और उसके साथ साथ निर्यात भी किया जा रहा है। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत में कम होती गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का नेतृत्व करने में भारत की प्रगति वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अक्षय पात्र के 40 लाख बच्चों को खाना खिलाने के लक्ष्य से प्रेरित होकर हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार कर रहे हैं। Are painting the canvas of tomorrow. It's a journey of hope, a journey of change. And we've already made history. Over 415 million people in India have stepped out of poverty. Among the 25 countries, we showcased millets, our heritage crop, to the world.
The Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman initiative is a giant leap towards zero hunger. It's nurturing over 100 million children across 1 million schools, incorporating millets, marking a stride forward in the global fight against hunger. इसके साथ ही यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करने वाली रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राज्य जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा कि इस संदेश को पढ़ते समय वो बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं। इस संदेश में प्रधानमंत्री ने सतत विकास और वैश्विक एकता के मुद्दे पर जोर दिया। I congratulate the entire team of the Akshay Patra Foundation on the remarkable milestone of serving 4 billion meals. This achievement stands as a testament to an unwavering commitment to eradicate hunger and provide nourishment to humanity. The significance of this milestone is further highlighted by serving the meal at the United Nations headquarters in New York, showcasing a passion for global well-being. और आइए बात करते हैं ताइवान की, जहां यहां की राजधानी ताइपे में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। हुआलिन इलाके में भूकंप के जोरदार झटके के कारण कई बिल्डिंग हिल गईं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहां स्पीड ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है। इस बीच जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 से 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। ताइपे में इसे 25 साल का सबसे बड़ा भूकंप कहा जा रहा है। जापान के ओकिनावा में विमान सेवाओं पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। पूर्वी ताइवान के तट पर आए भूकंप के मद्देनजर ताइवान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों की सहायता, मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए भारत ताइपे एसोसिएशन ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सभी नागरिक मदद के लिए मोबाइल नंबर 0909-524-7906 और ईमेल ad.ita@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। सभी भारतीय नागरिकों ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाह का पालन करने का भी अनुरोध किया है। साथ ही ITA ताइवान ने भारतीय नागरिकों से ज़्यादा लोगों को अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए अधिकारियों द्वारा जारी सलाह की जानकारी साझा करने की भी अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात नवंबर 2023 में कैलिफोर्निया के वुडसाइड में शिखर वार्ता के दौरान हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच अब पहली बार फोन पर बातचीत हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में अवैध रूप से आने वाले अप्रवासियों पर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में एक भाषण के दौरान दावा किया कि अवैध रूप से मेक्सिको के साथ सीमा पार करने वाले अप्रवासी अपने घरेलू देशों की जेलों और आशों से भाग गए हैं और अमेरिका में हिंसक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोग मूल निवासी नागरिकों की तुलना में उच्च दर पर हिंसक अपराध नहीं करते हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने आम चुनाव जीतने के बाद शपथ ली है। डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन ने 10 मार्च के चुनाव में मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी पर मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। मोंटेनेग्रो ने विनम्रता, देशभक्ति की भावना और बातचीत की क्षमता के साथ काम करने का वादा किया है। साथ ही मोंटेनेग्रो ने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की। और पुर्तगाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो को पदभार संभालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पुर्तगाली गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री लुइस मोंटेनेग्रो को हार्दिक बधाई। अपने दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर हैं। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल में
बसेरो डियोमाइफे ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद शपथ ली। उन्होंने देश में स्थिरता बहाल करने और आर्थिक प्रगति लाने का वादा किया है। शपथ ग्रहण में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबु, घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो और अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष मौसा फाकी महामत सहित एक दर्जन से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और बात करते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 20 रन से हराया था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिलहाल सातवें स्थान पर है, जबकि केकेआर की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है। आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अब तक 32 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें केकेआर ने 16 बार तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 15 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की है। हालांकि एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका था। इससे पहले कल इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी और उन्होंने आरसीबी को 28 रन से हरा दिया। मैच में आरसीबी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने क्विंटन डिकॉक के 81 और निकोलसन पूरन के 40 रन के बल पर 5 विकेट पर 121 रन बनाए। 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की टीम 19.4 ओवर में 153 रन पर ही सिमट गई। लखनऊ की ओर से मयंक यादव ने 3 विकेट हासिल किए। लखनऊ की ये पिछले 3 मैचों में दूसरी जीत रही। और आईपीएल के इस सीजन में एक गेंदबाज जो तेजी से अपना नाम की पहचान बना रहा है, वो नाम है मयंक यादव का। मयंक लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब तक बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन से आईपीएल के इस सीजन में सभी टीमों का ध्यान खुद की ओर खींचा है। इंडियन प्रीमियर लीग ने देश को कई क्रिकेटर्स दिए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम को नई पहचान दी है और इस पहचान ने देश को भी क्रिकेट के खेल में एक नया आयाम दिया है। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब इस कड़ी में एक और नाम तैयार हो रहा है। नाम है मयंक यादव। भारत और लखनऊ सुपर जायंट्स के नए तेज गेंदबाजी सनसनी मयंक यादव लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। लखनऊ की पंजाब किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच बने। मयंक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 4 ओवर में महज 14 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसके चलते उनकी टीम बेंगलुरु को 28 रन से हराने में कामयाब रही। वहीं इससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके थे। मयंक ने आरसीबी के खिलाफ मैच में इस सीजन की सबसे तेज गेंद भी फेंकी, उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। दरअसल पंजाब के खिलाफ मयंक ने 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, वहीं बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर अपने ही रिकॉर्ड में सुधार किया। ये सीजन की अब तक की सबसे तेज गेंद है। मयंक उमरान मलिक के बाद 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। वहीं ओवरऑल इस लीग में वो ऐसा करने वाले 5वें गेंदबाज हैं। तो निश्चित रूप से मयंक यादव रफ्तार के नए बादशाह के तौर पर सामने हैं, जिनके आगे पूरा भविष्य है। जरूरत है तो सिर्फ अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर बनाए रखने की और जमीनी हकीकत को पहचानते हुए अपनी हर कमी पर कंट्रोल करने की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल ने शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचा दिया है। नागल ने मंगलवार को फ्रांस के कॉरेंटीन माउंटिन को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। नागल की ऑस्ट्रेलिया ओपन के दूसरे दौर में पहुंचने के बाद ये पहली टूर लेवल की जीत रही। वहीं अमेरिका की डेनियल कॉलिंस चार्ल्सटन ओपन के अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रहीं। डेनियल कॉलिंस ने स्पेन की पाउला बारोसा को 6-1, 6-4 के सीधे सेट में पराजित कर अगले चरण में जगह बनाने में सफलता हासिल की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।